हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। साल था 1859 और तारीख थी 27 अगस्त। अमेरिकी व्यापारी एडविन ड्रैक को एक मैसेज मिला जिसे पढ़कर वे अपना आपा खो बैठे। मैसेज में लिखा था, अपना कर्ज चुकाओ, हार मान लो और घर वापस लौट आओ। यह व्यापारी एडविन ड्रैक रॉक ऑयल की तलाश कर रहे थे। यह एक तरह का भूरे रंग का कच्चा तेल होता है। पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया की जमीन पर इस तेल के बुलबुले देखे गए थे। ड्रैक का इरादा इस रॉक ऑयल से कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल निकालने का था, ताकि लैंप जलाया जा सके। उस जमाने में लैंप जलाने के लिए व्हेल मछली से निकाले जाने वाले तेल का इस्तेमाल होता था और वह आहिस्ता आहिस्ता महंगा होता जा रहा था। हालांकि मैसेज मिलने के कुछ वक्त पहले ही एक खुदाई के दौरान तेल मिल गया था और जब वह तेल बाहर निकला था तो उसका प्रेशर कुछ ऐसा था कि जमीन से 21 मीटर की ऊंचाई तक उसका फव्वारा पहुंच गया। इस घटना ने व्हेल मछली की जान तो बचा ही ली और दुनिया बदलने की एक नई शुरुआत भी होगी। ड्रेक को जिस जगह पर यह तेल मिला था उससे कुछ किलोमीटर दक्षिण में जो चीज़ें हुई उसके बाद के सालों में ये संकेत मिले कि आने वाले कल में क्या होने वाला था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1864 में पेनिसिल्वेनिया के पिट होल सिटी में तेल की खोज हुई थी। तब वहाँ दर्जन मील के दायरे में 50 लोग भी नहीं रहते थे, लेकिन तेल की खोज होने के साल भर के अंदर ही पिट होल सिटी में 10,000 लोग रहने लगे। 50 होटल बन गए, पोस्ट ऑफिस बन गए, 2 टेलीग्राम सेंटर बन गए और दर्जनों चकला घर खुल गए। बदले हालात में वहाँ कुछ लोग रईस हो गए, लेकिन पिट होल सिटी एक असली अर्थव्यवस्था की दूसरी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती थी। नतीजा ये हुआ कि पिट होल की चमक साल भर के भीतर ही फीकी पड़ गई। पिट होल की तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था जोर नहीं पकड़ पाई, लेकिन तेल के लिए हमारी प्यास बढ़ती और बढ़ती चली गई। अब तो हालात ऐसे बन गए हैं कि ये कहा जा सकता है कि दुनिया की इकोनॉमी तेल से चलती है और ये विश्व की एनर्जी डिमांड की एक तिहाई मांग पूरी करता है। तेल और गैस बिजली की हमारी ज़रूरत की एक चौथाई मांग को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, इलास्टिक सेक्टर के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी है। एडविन को ये लगा था कि गैसोलीन कौन खरीदेगा, लेकिन कंबस्चन इंजन ने उनके इस सवाल का जवाब भी दे दिया। कार से लेकर ट्रक, मालवाहक जहाज से लेकर जेट विमान तक, वो तेल ही है जो हमारी दुनिया चला रहा है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि ये तेल की कीमत ही है जो शायद दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। साल 1973 में जब कुछ अरब देशों ने कुछ समुद्री देशों को तेल की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा कर दी थी, तो उस वक्त महज 6 महीने के अंदर ही तेल की कीमतों में $3 प्रति बैरल से $12 हो गई। इस घटना के बाद दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का माहौल देखा गया था। साल 1978, 1990 और साल 2001 में तेल की कीमतों के बढ़ने के बाद अमेरिका में मंदी आ गई। कुछ अर्थशास्त्री तो ये भी मानते हैं कि तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ही साल 2008 की विशेषिक मंदी की वजह है। हालांकि इसके लिए बैंकिंग संकट को जिम्मेदार ठहराया गया था। जैसे तेल की कीमत बढ़ती है, अर्थव्यवस्थाएं भी उसी रास्ते को अपनाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम इस चीज़ पर इतना निर्भर क्यों हैं? तेल के क्षेत्रों में कुछ देशों ने बहुत अच्छा किया है। सऊदी अरब धरती पर सबसे अमीर देशों में से एक है, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा तेल भंडार है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको एप्पल, गूगल या अमेज़ॉन से भी बड़ी है। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे लाभदायक तेल कंपनी है, जिसे हाल ही में ड्रोन से निशाना भी बनाया गया था। इस घटना से तेल की कीमतें आसमान भी छू सकती हैं। इराक से लेकर ईरान और वेनेजुएला से नाइजीरिया तक कुछ तेल समुद्री देश इसी वजह से आगे बढ़े, लेकिन अर्थशास्त्री इसे तेल
अभिशाप कहते हैं। इस पर 1960 के दशकों की शुरुआत में वेनेजुएला के पेट्रोलियम मंत्री जुआन पाब्लो अल्फांसो ने कहा था कि यह शैतान का मल मूत्र है और हम शैतान के मल मूत्र में डूब रहे हैं। इसे निर्यात करने से आपकी करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है, जो उस देश के उत्पादन करने के लिए तेल के अलावा हर चीज को महंगा बना सकता है। ऐतिहासिक रूप से कई राजनेताओं ने अपने और अपने सहयोगियों के लिए अपने देश के तेल पर एकाधिकार करने की कोशिश की है। यही कारण है कि हम तेल के बदले कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं। जलवायु परिवर्तन स्पष्ट रूप से एक समस्या है, लेकिन तेल अब तक बैटरी की जगह इस्तेमाल होता है। 1 किलोग्राम पेट्रोल में उतनी ही ऊर्जा होती है जितनी 60 किलोग्राम बैटरी में होती है, और उपयोग के बाद गायब होने की सुविधा भी। वहीं खाली बैटरियां भारी होती हैं, इलेक्ट्रिक कारें आखिरकार टूटने लगती हैं। एक वक्त था जब ऐसा लगता था कि तेल की कीमत काबू से बाहर हो जाएगी। इसे पीक ऑयल कहा जा सकता है। इसने तेजी से दाम बढ़ाने का काम किया और हमें साफ और नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने की प्रेरणा दी। लेकिन वास्तव में आज तेल का काफ़ी जल्दी पता चल जाता है। ये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग के तेजी से विकास होने के कारण है। ये एक ऐसी विवादास्पद प्रक्रिया है जिसमें तेल और गैस के लिए जमीन के नीचे उच्च दबाव में पानी, रेत और रसायनों को पंप किया जाता है, पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग की तरह, ना कि पारंपरिक तेल की खोज और उत्पादन की तरह। कई लोगों ने कहा है कि यह पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें आप उसका नोटिफिकेशन पा लें और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए सायोनारा एंड बाय।